केमिकल बॉन्डिंग का स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट कौन सा है देखते हैं। आंसर हमारा आएगा डी, आपका भी यही आ रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइट रिजेंबल्स दैट ऑफ डायमंड, यानी बोरोन नाइट्राइट जो हमारा है वो डायमंड जैसा होता है, यानी बी एन। और क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। बोरोन नाइट्राइड में हमारे पास बोरोन की वैलेंसी कितनी है? तीन है। एक बार और मैं आपको बता देता हूं। तो ये है क्या बोरोन नाइट्राइड, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। पहले इधर देख लीजिए आप, बी बोरोन नाइट्राइड, ये होता है बोरोन और ये होता है नाइट्राइड। सिर्फ बोरोन नाइट्राइड की बात करें तो हमारे लिए अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा? माइनस। और यहां हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्लस। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइड रिसेम्बल्स, यानी कि बिल्कुल रिसेम्बल्स, यानी यहां पर हमारे पास है जैसा दिखने वाला। जैसे मेरा कजन या कोई मेरा जुड़वा भाई कैसा लिखेगा, मेरी तरह दिखेगा या नहीं दिखेगा वाली चीजें, तो बोरोन नाइट्राइड के पास ये है। यानी अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 2D स्ट्रक्चर गेन करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेफाइट करता है। कैसा? यानी बोरोन, हम इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं। यहां हमारे पास बेंजीन क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि हम कंटिन्यू इसको देखेंगे। ये इस तरह से चलेगा, तो हर जगह अल्टरनेट में नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, इस तरह से चलेगा। आप चाहे तो इसको बना लीजिए और हर जगह हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये एक तरह से, अगर आपसे यहां पर कहा जाए बोरोन नाइट्राइड हैज ए, यहां पर द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइड रिसेम्बल्स दैट ऑफ डायमंड, तो गलत है। लेकिन अगर डायमंड की जगह यहां पर लिखा जाए ग्रेफाइट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही। ये स्टेटमेंट फिर क्या हो जाता? सही। लेकिन अभी तो ये फिलहाल ये क्या है? गलत है। इसीलिए ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। यस और नो? एनी डाउट? अदर उसमें देखते हैं कि वो सही क्यों है। ये हमारे पास है Bo3-2 आयन इस ट्रायगोनल प्लेनर इन विच बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही है, कोई डाउट? नेक्स्ट, बोरिक एसिड कंटेन दिस यूनिट हाँ विच आर बॉन्डेड टूगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ टू डायमेंशनल सीट, बिल्कुल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पर मॉलिक्यूल, ऐसा हमने पढ़ा था। बोरा जीन जैन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, ये बोरा जैन अपने बेंजीन की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है, ये होता है Bo3N3H6 बोरा जीन। क्या सुनो? तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये भी सही है, बिल्कुल बेंजीन की तरह ही होता है और यहां पर हर जगह बोरोन, इन सब पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है? सही है। तो इनको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर वन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर SOCl2 इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड्स ही हमारे से गलती कराते हैं। नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? करेक्ट। ध्यान रखना इन चीजों का। नॉट करेक्ट यानी अब हमें देखना है, द सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज ए टेट्राहेड्रल शेप। सल्फर, बिल्कुल सल्फर के अंदर अगर हम बात करें SOCl2 के अंदर, तो SOCl2 हमारे लिए किस तरह का होता है? ये रहा SOCl2, SOCl2 Cl Cl और एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है या नहीं है? पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल नहीं है, क्या है? पिरामिडल है। तो ये तो गलत है, लेकिन इसीलिए आंसर सही है। द सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड इट हैज ए ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, बिल्कुल सही है ये। द सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इज dπ pπ, dπ pπ होगा हाँ, क्योंकि कल सल्फर की कितनी वैलेंसी होती है? 2 से ज्यादा, बाकी की सारी वैलेंसी कहां से बनेगी? डी से, MTD ऑर्बिटल वो यूज करता है ये, यानी वैलेंसी का एक्सपांशन करता है, और जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो कहां से बनेंगे? डी से, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। द कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस वन इन द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, बिल्कुल एक लोन पेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये रहा, और वो हाइब्रिडाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्या है इस क्वेश्चन में?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा, करेक्ट हो रहा है। तो पहले तो एन टू प्लस बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एन टू प्लस के अंदर, एन टू प्लस के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है जल्दी से बताइए, 2.5। और एन टू माइनस में भी कितना है, 2.5। दोनों में 2.5 है, 2.5 है। फिर जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अंतर है, आप यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके किस में आ रहे हैं, बॉन्डिंग में। आप चाहे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं, और बॉन्डिंग में आएंगे तो इसका मतलब इस बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा ऑक्यूपाइड है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए ये आंसर सही है कि एन टू प्लस नहीं। आप बिल्कुल यही सोचें कि अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सेम बॉन्ड ऑर्डर में आने पे, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओ टू प्लस ज्यादा है ओजोन से, बिल्कुल। हम ओजोन के लिए यहाँ वैसे भी नहीं पढ़ रहे, हम बात कर रहे हैं ओ टू भी होता ना तो भी हमारे लिए यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता ओ टू का, 2.5, और O2 का कितना होता है, 2। O3 दिया हुआ है, ये O2 होना चाहिए, फिर भी यही ज्यादा होगा। और O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर और कम है O3 में, O3 में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहां हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यहां रेजोनेंस आ रहा है तो ये इस तरह जाएगा, तो यानी कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 O3 के अंदर, ये रेजोनेंस है, तो कभी यहां डबल बॉन्ड होगा कभी यहां होगा, तो ना तो यहां प्रॉपर डबल बॉन्ड है ना यहां पर प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है। आगे एनओ प्लस यानी कि एन टू ही हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, और इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, कौन ज्यादा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तीनों सही है, तो क्या आंसर जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यस और नो। तो ये अच्छा एग्जाम्पल था ऑल ऑफ दिस के लिए, आपने बहुत सारी चीजें सीखी है यहां पर इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर या शेप? तो पिरामिडल आपको दिख ही रहा है, ClOF2+, क्लोरीन पे ही प्लस लगा दो, सेंटर एटम पे प्लस लगा दो। क्लोरीन पे प्लस का मतलब कितनी वैलेंसी हो गई, 6। अगर क्लोरीन पे 6 वैलेंसी है, ध्यान से देखिएगा, तो Cl पे कितनी हो गई आपकी, 6 है, तो डबल बॉन्ड ओ एफ, एक एफ, एक लोन पेयर रहेगा, तो कितना क्या रहा यहाँ पर, पिरामिडल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल सही है, यस और नो। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही हो गया, हाँ या ना, क्लियर है? तो ये आपका एक और आंसर सही है, बढ़ते ही पहला आंसर मिल गया, लेकिन चेक कर लो क्योंकि ऑल ऑफ दिस भी है। ICl3 टी शेप होता है, ICl3 टी शेप होता है, आपको मालूम है अच्छे से। कितने लोन पेयर है इसके ऊपर, 2, टी शेप है। BrIcl- लीनियर होता है, Cl- है वो, लीनियर होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे HCF2 होता है या I3- होता है, ये सब लीनियर है, बात एक ही है भाई, I सेंटर एटम होगा और एक तरफ Cl होगा, एक तरफ Br होगा, बाकी तीन लोन पेयर हो जाएंगे, 1, 2, 3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, करो इनको लिखो। तो आंसर क्या जाएगा, पिरामिडल का कौन सा होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा, वो तो आंसर तो टिक कर लो आप, बॉम्बे रहेगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज पर ऑक्साइड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, पर ऑक्साइड ग्रुप किसमें नहीं है, तो वो आंसर है बोरेक्स, ये बोरेक्स है। बोरेक्स की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, बी, 4 यूनिट होती है बोरोन की, हर एक में ऑक्सीजन होती है, ये बोरेक्स की यूनिट है, और आपको कहीं पे भी परऑक्साइड दिखाई दे रहा है क्या, बोलो, बोरोन की यहां 4 वैलेंसी माइनस आएगा, बोरोन 4 वैलेंसी माइनस की फॉर्म में ही देता है, तो ये हो गया बोरेक्स का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 बोरोन की यूनिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखती है,
सॉरी, दो रखती है sp2 और दो रखती है sp3। क्लियर है? दो sp2, दो sp3। तो यहां पर ऑक्साइड लिंकेज नहीं है, बाकी सब जगह पर ऑक्साइड है। H2O8 -2 है, तो S S ये रहा। देखिए ध्यान से, मैं जानता हूं 6 ऑक्सीजन तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, एक भी परऑक्साइड लिंकेज नहीं था, 7 में भी नहीं था, लेकिन अब 8 में तो एक आएगा ही आएगा। ये H2O8 -2 है। CrO5 में तो बहुत सारे हैं, CR डबल बॉन्ड हो। ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, लिख लो। दो दो परऑक्साइड लिंकेज है। HNO4 पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड में भी होगा। पर नाइट्रिक एसिड कैसा होगा? एन डबल बॉन्ड ओ, ओ एच डबल बॉन्ड ओ, और अभी भी हमारे पास क्या है? ओ प्लस माइनस, ये है हमारे लिए पर नाइट्रिक एसिड, या आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो। एक परॉक्सी लिंकेज है, तो एक ही ऐसा एग्जांपल है जिसमें परॉक्सी लिंकेज नहीं है, परॉक्साइड लिंकेज नहीं है, और वो ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो है आपके लिए ग्रेफाइट। यहां पर कौन कौन ऑप्शन है देखो, बोरोन नाइट्राइड नहीं है, बोरोन नाइट्राइड नहीं है, नॉन कंडक्टर्स है, ऑल आर नॉन कंडक्टर। SiO2 सिलिकेट्स नहीं है, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं है। हाँ, ग्रेफाइट होता तो बात अलग होती है। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसोमोर्फस, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको भी लिखिए। आइसोमोर्फस का मतलब क्या है? पहले तो आप ये देखिए, आइसोमोर्फस का मतलब हमारे लिए है इस जगह, कि हमारे पास नंबर ऑफ आयन, केटायन और एनायन दोनों क्या होने चाहिए? सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसे बेरियम सल्फेट, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, वही आ रहा है फॉर्मेट, सेम आ रहा है, सेम प्लस टू, भले उस पर चार्ज कुछ भी हो, यहां पर -2, लेकिन 1-2 की फॉर्म में आ रहा है, यहां पर भी 1-2 की फॉर्म में आ रहा है। यस और नो? पूरा का पूरा वैसा ही दिख रहा है। तो क्या ये एक दूसरे के आइसोमोर्फस होंगे? हाँ। KClO4 प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, क्या ये एक दूसरे के आइसोमोर्फस होंगे? हाँ। FeSO4 और MgSO4 बिल्कुल सेम है, 7H2 और 7H2, ये भी सेम होने चाहिए अगर हाइड्रेटेड वाटर है तो। तो क्या ये एक दूसरे के आइसोमोर्फस है? हाँ। तो अगर तीन आंसर हमारे आइसोमोर्फस हैं और हमसे यही पूछा जा रहा है नॉट आइसोमोर्फस, तो चौथा आंसर अब आइसोमोर्फस होगा ये Na प्लस और ClO10। देखो यहां हमारे पास क्यों आइसोमोर्फस नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या सेम फॉर्मेट में है या नहीं है? पहले तो ये देखो, यहां पर Na प्लस, ध्यान से देखो, आपको ClO3 अपने आप में NO3 कैसा है, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। और ये कैसा है? नॉन प्लेनर। तो ये आइसोमोर्फस नहीं होंगे और इसीलिए आंसर है। तो अब आपके लिए पॉइंट ये है कि आइसोमोर्फस हम पता कैसे लगाए। ठीक है, तो आइसोमोर्फस बहुत आसानी से लगा सकते हैं, सेम फॉर्मेट में केटायन एनायन होने चाहिए, भले उन पे चार्ज कोई भी हो, और अगर केटायन या एनायन प्लेनर है तो दोनों तरफ प्लेनर होने चाहिए, यानी कुल मिला के सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम होनी, शेप भी। हाँ, चार्ज ही नहीं है, यहां देखो +2 -2 था, जबकि यहां +1 -1 है, चार्ज में भी डिफरेंस, लेकिन फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ये ए बी टाइप सॉल्ट है, ये भी ए बी टाइप सॉल्ट है, चलेगा, लेकिन अगर ये ए टू बी हो गया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, लिखें इसको। 9 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयन, बेस्ट। MgClO42 इज पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट, क्या ये पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट है हाइड्रेशन ऑफ आयन की वजह से? हाँ, बेसिक ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन, मैग्नीशियम पे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा आसानी से, तो जब इस पे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है तो इसका हाइड्रेशन आसानी से पॉसिबल है। उन सबका हाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, जिनका कम हो जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, उनका हाइड्रेशन इतने आसानी से नहीं होता। तो ये फटाफट हाइड्रेटेड हो सकता है, पावरफुल वाटर एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, NaCl नहीं कर पाता, प्योर NaCl नहीं करेगा कभी भी। नेक्स्ट, LiCl4 फॉर्म ए स्टेबल हाइड्रेटेड बट
अदर एल्कली मेटल्स परक्लोरेटेड डू नॉट। तो मेरे लिए तो ये फॉर्म है स्टेबल हाइड्रेटेड बट अदर एल्कली मेटल्स नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जेड इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा है लिथियम का अपने पूरे ग्रुप में। तो ये भी हमारे पास बहुत आ गया, अच्छा पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल आई प्लस एक्वा सोल्यूशन इज मच लेस देन एक्सपेक्टेड, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हाइड्रेटेड होने की वजह से इसकी साइज पहले की वजह से बहुत बढ़ जाती है। तो आंसर क्या जाएगा, तीन सही होगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैप्स इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस, ये तो आप कर सकते हो, इसका आंसर क्या जाएगा, डी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी जाएगा। बाकी तो ओवरलैपिंग आप देख सकते हो, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये वाली पॉसिबल नहीं है वीबीटी से, ये भी पॉसिबल नहीं है, और माइनस प्लस होने की वजह से ये भी नहीं है, ये प्लस प्लस फिर भी पॉसिबल है, लेकिन प्लस माइनस नॉट पॉसिबल। नेट ओवरलैपिंग कितनी होगी, जीरो, जबकि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और ये भी यार प्लस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू, आप एक काम करें, बिल्कुल सही है, सी, आप एक मिनट मेरी बात सुने, कि क्या यहां पर ये प्लस माइनस किसको बता रहा है, चार्ज को बता रहा है या एम्पलीट्यूड को बता रहा है, एम्पलीट्यूड है, तो प्लस माइनस एम्पलीट्यूड क्या पॉसिबल होंगे, क्या प्लस प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो यहां पर प्लस प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस नहीं हो रहे, यहां पर भी माइनस प्लस आ रहा है, नहीं होंगे, यहां पर माइनस माइनस आ रहा है, पॉसिबल तो है, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि एक अपना सिग्मा की तरफ ले और एक पाई की तरफ, समझ में आ रहा है, इसलिए ये नहीं पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। तो ये अपना यहां ये हो सकता था इस तरह से कि ये प्लस और ये माइनस, ये पॉसिबल हो सकता था, लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि एक एक्सियल हो और एक अलग एक्सेस में आ रहा है एक। तो कुल मिला के ऑल द अबाउ इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप टिक करिए डी, ये कर सकते हैं। 12th का आंसर आप टिक करिए डी, कर सकते हैं। 13 का आंसर टिक करिए डी, ऑल ऑफ दिस। 14 का आंसर आप देखते हैं, डायपोल मोमेंट इज हायर फॉर, डायपोल मोमेंट किसके लिए सबसे ज्यादा होगा इन दोनों में से, तो CH3F और CD3F, आप जानते हैं ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम है, तो चार्ज का ट्रांसफर ज्यादा होगा, HHHF और CFDDD ड्यूटेरियम, ये ज्यादा देगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा जबकि यहां पर थोड़ा कम रहेगा, ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा है ऑर्गेनिक में, यहां पर भी हम देख रहे हैं ड्यूटेरियम में, हाँ बिल्कुल, ट्रिटियम का इससे भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। नेक्स्ट 15 डाउट है, नहीं 15 आपका आंसर सिर्फ किया जा सकता है, कैलकुलेट परसेंटेज आइनिक करेक्टर आपके पास दिया हुआ है, बिल्कुल है, तो आपको ये डी एक्स नहीं है, ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आप निकाल सकते हैं, आपको ये वैल्यू कितने दे रखी है, परसेंटेज आइनिक करेक्टर 16% दे रखा है, 15 दे रखा है, तो क्या आप इस इक्वेशन को 15 के बराबर करके डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 1.2 आएगा, सिंपल मैथ से आपको कुछ भी नहीं करना, 16 डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस 3.5 डेल्टा एक्स की वैल्यू का स्क्वायर आपको किसके इक्वल दे रखा है, 15% यानी 15, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आप करेंगे तो 1.2 आएगा, तो 1.2 सल्फ बहुत जगह दे सकती है, मैं ये मान सकता हूँ 1.2 FH इसकी 2.8 के समथिंग है और इसकी कितनी है 4, तो 1.2 आ गया, क्लियर करें ये कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट 15 सही है, 16 से स्टार्ट करते हैं, O2F2 which of the following statement is incorrect, अगर O2F2 के अंदर correctment statement पूछेंगे तो none of these हमारा answer आ रहा है, OF bond is length O2F2 is longer than OF bond in this OF2, आप खुद ही देखिए ये होता है OF2,
और ये होता है ओ एफ एफ, समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए आ रहा है बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन ओ एफ बॉन्ड। इसके अंदर ये मान लीजिए, ये मान लीजिए एक्स है और ये मान लीजिए हमारे लिए क्या है, वाई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। मेरे लिए तो ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, बात वो भी तो है कि क्यों करेक्ट है। क्या दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है? हाँ, सब कुछ सेम ही तो है। यहां पर भी दो लोन पेयर है, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे फैक्टर सेम है, तो बॉन्ड लेंथ को कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पर सोच के बताइए, यहां बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे? ओ एफ बॉन्ड लेंथ इन ओ टू एफ टू इज लॉन्गर देन दिस ओ एफ बॉन्ड। बुक लाइक स्ट्रक, देखो यहां पर हो ही रहा है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा जा रहा है ओ एफ बॉन्ड और हम मान रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां पर इस जगह हमारे लिए एक्स की वैल्यू क्या है, लॉन्गर देन दिस वाई। देखो बहुत आसानी से समझना आप, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं है। यहां पर एक तरह से इसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा होगा या नहीं होगा? दो दो फ्लोरीन है खींचने के लिए, इसके पास एक ही फ्लोरीन है, पक्का? तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्लस माइनस चार्ज है वो क्या है, ज्यादा है, डबल प्लस चार्ज है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। और यहां क्या चार्ज है, माइनस, जबकि यहां पर सिंगल प्लस माइनस है, तो यहां इतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना यहां होगा, बाकी सारे फैक्टर तो सेम है ही। तो ये करेगा, तो ये थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ क्या कर देगा, छोटी कर देगा। आप ध्यान से समझे, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, सही है, और हमसे गलत पूछा जा रहा है इसलिए हम इस आंसर को टिक नहीं करेंगे। हाँ, चार्ज कई बार काम आता है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक हो गया N2 और एक हो गया CO, तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों जगह बराबर है, सब कुछ समान है, लेकिन ड्यू टू दिस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये शॉर्ट होगा, ये ज्यादा होगा। यही नहीं, बहुत जगह देखने को मिलेगा CC और CF, कौन ज्यादा छोटा होगा, CF। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, कि जब सारे फैक्टर सेम हो तो आप चार्ज से भी आइडिया लगाएंगे। नेक्स्ट ओ, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 F2 इज +1, बिल्कुल सही है। बॉन्ड यहां पर क्या है, O2 पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, F2 पे -2 होगा, यानी यहां पर क्या होगा, O2 +2। O2 +2 होगा तो हर एक ऑक्सीजन पे क्या होगा, +1 +1 चार्ज, और F2 -O2 F2 में। नेक्स्ट द बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ O2 F2 इज शॉर्टर देन ओ बॉन्ड लेंथ इन H2O2। ये जरूर देखने को बनता है कि हमारे पास है ओ और एक ये भी है ओ, दोनों हमारे पास ये बुक लाइक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी वैसी है। अब बताइए अंतर क्या है, यहां माइनस माइनस है और यहां पर क्या है, प्लस प्लस। तो आप ये बताइए, प्लस प्लस है ठीक है, तो आप ये बताइए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस में जा रहा है, यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो ये थोड़ा शॉर्ट होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो बॉन्ड लेंथ इन दिस, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आंसर ये। तो आपको ये अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको पकड़ के चले आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 भी आपका डाउट है। देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, सीएलओ बिल्कुल ज्यादा होता है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सही है, और H2 और H2 में मेरे क्लास नोट्स में आपने देख ही रखा है, ये आंसर सही है। और यहां पर आर्सेनिक 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 सराउंडिंग एटम बाहर नीचे की तरफ जा रहे हैं, आयोडीन सबसे बड़ी साइज है, फिर छोटा छोटा, यहाँ साइज फैक्टर हम देख रहे होते हैं, ये भी सही है बिल्कुल। और NO2 प्लस और NO2 माइनस, भाई यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गया, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है जबकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ही होगा, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो चौथा तो गलत होगा, और वही हमसे पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट, तो यही आंसर होगा। ये है H6 B H6-, तो अलग ही तरह का हमारे पास है H। यहां हमारे को थोड़ा अलग तरीके से देखना है कि क्या दिया हुआ है। ये बी है ये, तो चलिए ठीक है। और ये हमारे लिए TS टर्मिनल हाइड्रोजन है, और हमसे ये पूछा जा रहा है दिस 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 ब्रिज हाइड्रोजन B2S6। H1 जो हमारे पास है टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ दिस एंड HB एंड ब्रिज हाइड्रोजन ऑफ दिस, तो अंतर है, क्या अंतर आ रहा है, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं यहां पर। B2S6 का क्वेश्चन है ये, B2S6 ऐसा ही है, इसको तो नाम दिया टर्मिनल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये तो है टर्मिनल, और ये है आपके लिए ब्रिज हाइड्रोजन, सही है। तो और ये पूछा जा रहा है कि बॉन्ड एंगल जो हमारे पास है ब्रिज हाइड्रोजन के साथ, ब्रिज टू ब्रिज, यानी ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा टर्मिनल टू टर्मिनल, बिल्कुल सही जा रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन है। लेकिन क्योंकि ये प्लेन में ये कितना जाएगा, ये तो पूरा यूं घुमा हुआ है, ये लगभग आ रहा है आपका 120 डिग्री का, और ये जाएगा आपका 90 डिग्री के आसपास। तो ये वाला टर्मिनल तो इस तरह से, और ये वाला इस तरह से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये वाला फैला के हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो टी वाला ज्यादा होगा, टी है ये टर्मिनल, और ये ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत ही हमारे लिए आंसर सही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आंसर सही है, कोई डाउट? आप जब भी इसको B2S6 में लिखें, ये बात चीज ध्यान रखें कि ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन और ये ब्रिज हाइड्रोजन यूं होते हैं, आउट ऑफ प्लेन में जाते हैं, और ये बॉन्ड एंगल कम होता है, दिखने में आपको ऐसा लग रहा है ज्यादा होगा, लेकिन ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक है, क्लियर करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मोर इन एसिडिक देन दिस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज मोर इन एसीटोन देन दिस, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रॉन्ग है, हमसे रॉन्ग पूछा जा रहा है, और ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो आंसर बी जाएगा। ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मोर इन एसीटोन, एसीटोन बनाओ तो सरी, ये है एसीटोन और COCl2 ये है, और हमारे लिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछा जा रहा है, ये वाली बॉन्ड लेंथ। अब आप बताइए बॉन्ड लेंथ आप कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर, यहाँ इसको क्या मिल रहा है, एक तरह से CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए दूसरा कोई फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है ये पूरा का, तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली बॉन्ड लेंथ शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ इज मोर एसीटोन देन दिस, और हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर, इसमें हमारे पास बॉन्ड लेंथ COCl2 में ज्यादा होगी ना कि एसीटोन में, पक्का रेजोनेंस दिख रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड वर्सेस डी ब्लॉक रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो COCl2 में ज्यादा होगी और एसीटोन में क्या होगी, कम होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये तो हमारे लिए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया, रेजोनेंस वाला, बाकी आपके सारे सही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा इजी सा क्वेश्चन है, टू टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस, यानी दो अलग अलग बॉन्ड लाइन किस में रहेगी, तो देखिए ये तो है डायमंड, डायमंड में सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सारी के सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइन 1.54 एंगस्ट्रम होती है, ग्रेफाइट इसके अंदर 1.42 फिक्स होती है, जबकि अगर हम बात करें C60 तो यहां हमारे पास दो तरह की बॉन्ड लेंथ मिलेगी, 1.45 और 1.38,
दो तरह की बॉन्ड, एक तरह से ये हमारे लिए फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी, फ्यूरिन से है हमारे लिए, और बेंजीन में तो सारी लगभग बराबर है, 1.36 एंगस्ट्रॉम, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे लिए बॉन्ड लेंथ बराबर आ रही, तो हमारे कहाँ अंतर आ रहा है कार्बन 60 के अंदर, तो आंसर क्या जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 21, एज्यूमिंग सी सी बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल टू दैट फाउंड दिस, हमारे पास इतनी बॉन्ड लेंथ है और हमसे पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक, यानी हमें ये यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है। टोटल मैथ्स है आपके पास, कितना आएगा, 4 × 2 × sin 60 60 डिग्री का, और 1.37 अंगस्ट्रम, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। मैथ्स है, मैथ्स लगाइएगा, आप आंसर निकाल सकते हैं, करिए। गलती से वो मैथ्स, तू मैं तेरे से पूछूंगा, तू मेरे से पूछेगा मैथ्स का अभी स्टूडेंट कौन है तू, करो। अरे कुछ भी नहीं रे यार, इधर देख, बच्चों वाली बातें करेगा कभी कभी, तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, पक्का कोई दिक्कत आ रही है, तो ये वाली लेंथ आपको निकालनी है, ये दिया गया है, ये वाली दिखाई गई है, यहां से यहां ये कितना एंगल है आपके पास, ये टोटल कितना एंगल होता है, फिर उसका, फिर ये एक्स ये आया, एक ये आया, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, कुछ समझ में आया दादा भाई, ये अच्छा है, ये तेरे को मेरे को बताना चाहिए था, मेरे को तेरे को बताना चाहिए। बताओ कुछ और क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर क्या जाएगा, सिंपल सा है, आपको ए जाएगा, ठीक है ना, 1.2 डिवाइडेड बाय 4.8, इतना है और इतना हो सकता था, 4.8 कैसे निकालते हैं डिवाइड में, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, मान लीजिए पूरा एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, तो ये तो हमने कर रखा है परसेंटेज आई नहीं करेक्टर, और आंसर क्या जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स गिव्स प्रोपाइन, तो ये याद रखना पड़ेगा, प्रोपाइन वाले ये वाले हैं हमारे पास, इथाइल जो हमारे को देता है, ये हमारा टॉपिक आएगा कार्बाइड्स, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बाइड बेरिलियम कार्बाइड्स गिव्स CH4, जबकि स्ट्रॉन्शियम कार्बाइड एसिटिलीन देते हैं, तो हमारे लिए अलग अलग कार्बाइड अलग अलग देते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड भी हमारे पास क्या देते हैं, एसिटिलीन, तो सिर्फ बचा क्या हमारे लिए Mg2C3, जो हमारे को अलग अलग पॉइंट्स में आ गया, तो यहां पर हमारा आंसर ये जाएगा Mg2C3, Mg2C3, जबकि BEC और गिव CH4, यानी ये तो हमारे लिए CH4 देता है, ये हमारे पास कौन सा देता है CHHCH ट्रिपल बॉन्ड, और ये हमारे पास देगा जो आपने पढ़ा है, तो यही आंसर जाएगा। विच इज करेक्ट अबाउट द साइक्लिक सॉलिड, तो द वैल्यू ऑफ N इज 12, N की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 6 और 18 और यहां पर कितना आएगा 12 सिलिकेट्स, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोरोन एटम sp2 sp3, बोरेक्स, बिल्कुल है, डाइबोरेन में sp3 होता है और बोराजोल में sp2 होता है, किसकी, बोरेक्स का स्ट्रक्चर ये रहा, एक ऑक्सीजन रहेगी, यहां बीच में ऑक्सीजन नहीं रहेगी। विच इज करेक्ट अबाउट D2O, डी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हम अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है,
नाउ कमिंग ऑन पॉइंट, हम बात कर रहे हैं अपने डीपीपी पे क्वेश्चन नंबर 24, कोई दिक्कत नहीं है, 24 का आंसर ए आएगा, 25 ए। नेक्स्ट विच इज करेक्ट, बिल्कुल सही है आंसर डी 26 का, 27 आंसर गोज टू डी हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 आंसर गोज टू डी। विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बेंजीन में होती है? नहीं, कोई भी हाइड्रोजन इतना एक्टिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, ऑक्सीजन से अटैच्ड हो या नाइट्रोजन से या फिर फ्लोरीन से, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2O2 में होती है, हाँ इसमें होती है, सब में है बाकी। तो यहां आंसर सभी जाएंगे सिवाय डी को, बोरिक एसिड में तो 6-6 जगह आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं है, श्योर लॉक कर दें। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ए आंसर है, दिल्ली में क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये यहां का क्वेश्चन नहीं है, पीरियोडिक टेबल का है। पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, तो क्या तीसरा निकलेगा? नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो? दो, दो निकालेगा, तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी? दो। दो वैलेंसी किसकी होती है, फर्स्ट ग्रुप की या सेकेंड ग्रुप की? सेकेंड की, बस। तो यानी कि वो सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है और कोई दिक्कत नहीं है। द वैलेंस एलिमेंट हैज टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, और वो भी एस में ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आंसर गोज टू बी, 31 आंसर गोज टू सी। सी एन आपके पास जो देखने को मिलेगा यहां पर, सी इस जगह ट्रिपल बॉन्ड एन और ट्रिपल बॉन्ड एन, तो कितने आपको यहां पर सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे? 1, 2, 3, और पाई कितने दिखेंगे? 4। तो ये हमारे लिए हो गया सी एन टू, तो आंसर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आंसर गोज टू डी, कर सकते हैं आप। 33 आंसर गोज टू ए आगरा, बहुत इजी है, मूल का है, आप करिए हो जाएगा, आप एक बार और ट्राई करो। 34 सी, 35 ए, 36 सी, सी 35 आपके लिए सी है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन H2 इज 1 व्हाइल इन दिस एन इज 2, क्या ये सही है? क्या नहीं है, गलत है, और वो गलत ही पूछ रहा है, डज नॉट स्टेट, इसलिए आंसर क्या जाएगा? दिस। आगे 36 क्लियर है, 37 आंसर गोज टू डी Cl F3। 37 दिख ही रहा है यार, प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल आपके पास कौन सा होगा? Cl F3, टी शेप होगा, टी शेप होगा Cl F3, और टी शेप प्लेनर होता है। 38 आंसर गोज टू डी, 39 सी, 40 डी, 41 सी, 42 सी हो जाएगा, 42, 43 डी, 44 सी, 45 डी, 46 बी, 46 बी दिख रहा है ट्वाइस, बताना है 46। देखिए इनडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, 2px 2py ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कैन बी हाइब्रिडाइज्ड टू यील्ड टू न्यू मोर स्टेबल ऑर्बिटल, गलत है, क्यों भाई? 2px 2py दो ऑर्बिटल है, बिना s के कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर s होना बहुत जरूरी है, तो विदाउट s नॉट पॉसिबल, तो ये इनकरेक्ट है बिल्कुल। एन एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट लोअर इन एनर्जी देन बोथ एस एंड पी, मैंने पहले ही बताया कि हाइब्रिडाइजेशन में बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किससे ज्यादा होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, बस फायदा यह है कि ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है लेकिन उससे बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। बस ये है कि आपको ज्यादा पैसा लग रहा है लेकिन बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा आपको, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो यहां तो आपको मैंने बताया था
एस ऑर्बिटल की एनर्जी ये है, पी की ये है, और एस पी ऑर्बिटल की ये है, यानी ये दोनों मिलके एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर ये बॉन्ड बनाते तो थोड़ी सी एनर्जी लिबरेट करते, लेकिन ये बॉन्ड बनाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। तो इसीलिए वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बन सके, न कि पाई। या कौन सा 47 का आंसर आएगा आपका सी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर देखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए हाँ, तो देखिए यहां पर इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा, सिंपल है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखिए इसके अंदर आंसर। तो ये बात तो सही है कि ये सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा, फिर ये होगा, KI भी सही है, लेकिन MgO को यहां आना चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं। और कौन सा क्वेश्चन, 48, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बिल्कुल सही है। ये इक्विलिब्रियम का है, आप सॉलिड की तरफ जाएंगे तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि आइस बनाना है, और प्रेशर भी कम रहना है जिससे वॉल्यूम बढ़ सके। तो ये इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन आ गया। 49, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और आइस का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है इस जगह, बाकी सॉलिड में ऐसा नहीं होता। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन केस ऑफ SCN, इसका आंसर आएगा सी 49, और 50 का आंसर आएगा बी, सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, दिस दिस दिस, देन एक्स वाई जेड आर। ऑब्वियसली आप खुद समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की, और फिर उसके बाद ब्रोमीन की। तो आंसर क्या जाएगा, बी, बॉम्बे।